जय काल भैरव, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी के लिए एक ऐसा अलौकिक और चमत्कारिक वशीकरण टोटका लेकर आया हूं। दोस्तों, आज इसी वक्त आपका चाहने वाला या जिसे आप चाहते हैं वो आपके प्यार में मंत्रमुग्ध हो जाएगी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आज इसी वक्त ही आप वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल में मंत्रों की शक्ति से ऋषि मुनि जो है बड़े बड़े कार्य कर देते थे। जब भी बड़े बड़े युद्ध होते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों तरफ से जब बाण छोड़े जाते थे तो पहले वो मंत्र उच्चारण करते थे और फिर बाण छोड़ते थे। किसी बाण से अग्नि निकलती थी, किसी बाण से चक्र निकलता था, किसी बाण से जो है वो जल की तेज धारा निकलती थी। तो मंत्रों की जो शक्ति है वो विश्वास करने लायक है, विश्वास करने योग्य है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इन मंत्रों से कुछ भी नहीं होता है, पर साथियों, विश्वास और आस्था की नज़र से अगर हम देखेंगे और खुद अगर हम करेंगे तो मंत्रों की जो शक्ति है वो आपके बिगड़े मुकद्दर को भी जो है वो सिकंदर बना सकती है। साथियों, मंत्र एक ऐसी चीज है जिसकी साधना मात्र से बड़े बड़े कार्य जो है वो हो जाते हैं, और मंत्रों की शक्ति से ही जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है वो उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आज आपको मैं एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो बड़ा ही चमत्कारिक टोटका है और बड़ा ही कारगर साबित हुआ है वो, और इस टोटके के अंदर आप लोगों को जो सामग्रियों की जो आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो सामग्री आती है वो आती है प्रेत दाना, मसाने दाना, साबुत सुपारी, शहद, लौंग, इलायची, करक दाना, भुरकुटी दाना, और इसके अलावा जो है पान के पत्ते। इन सब चीजों के द्वारा ही जो है आप ये कार्य कर सकते हैं, और इनकी जो प्रयोग की विधि जो है वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने क्या करना है, 7 पान के पत्ते लेने हैं और प्रत्येक पत्ते पे जो है इन सारी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, प्रेत दाना, मसानी दाना, सुपारी, शहद, लौंग, इलायची, करक दाना और भुरकुटी दाना। प्रत्येक पत्ते पे ये थोड़ी थोड़ी आप सामग्री डालेंगे। पत्ते को आप जो है चौकोर अवस्था में जो है उसको आप फोल्ड करोगे। फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, 3 जो पत्ते होंगे उसको बेरी का जो पेड़ आता है, जो बेर खाने वाले होते हैं, कांटेदार बेरी का जो पेड़ आता है, 3 पत्ते जो है बेरी की पेड़ की जड़ में आपने दबाने हैं। 4 पत्ते जो है वो आपने केले की पेड़ की जड़ में दबाने हैं। इस तरह से ये कार्य आपने करना है, और इस कार्य का परहेज जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कार्य सोमवार को और शुक्रवार को ही होता है, बाकी दिनों में नहीं होता है। इसका जो समय रहता है वो सूर्यास्त से पहले पहले होता है और 12 बजे के बाद में, यानी कि सुबह 12 बजे से लेके और शाम को सूर्यास्त 6 बजे से पहले पहले जो आप ये कार्य कर सकते हो। आप सभी के लिए एक विशेष बात जो है वो मैं बता देता हूं, अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं या अशुद्धता की वजह से अगर कोई आप ये तरीका जो है ये गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, आप स्वयं जिम्मेवार रहोगे। जो भी कार्य करोगे उसके लिए जो है पूरी शुद्धता जो है वो जरूरी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9646532913। आप हमारे चैनल रियल ज्ञान के अंदर जाकर भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस विधि को करने के लिए जो मंत्र जो आप लोग देख रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पे जो है वो चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ये मंत्र दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें मंत्र के लिए कॉल भी कर सकते हैं।